राष्ट्रीय एकता दिवस पर दौड़ा यमुनानगर। भारतीय इतिहास के लोह पुरुष और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर के दिन जयंती मनाई जाती है। इसी दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल की यह परिकल्पना थी कि देश एक राष्ट्रशक्ति तब तक नहीं बन सकता जब तक उस सामूहिक का संचालन नहीं किया जाए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया था। तभी से इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यमुनानगर के ADC के भादू ने कहा कि इस दिन को रन फॉर यूनिटी और एकता अखंडता की शपथ दिलवाई गई। इसका यही उद्देश्य है, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक सूत्र पिरोने का संदेश दिया, सभी मिलजुल कर सौहार्द से रहें, वहीं मैराथन में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, अन्य विभागों के कर्मचारी, आयुष विभाग, स्कूली छात्र छात्राओं और कई संस्थानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने भाग लिया है और 700 के करीब, लगभग 700 से ऊपर ही पुलिस के कर्मचारी जो कि पुलिस लाइन से हैं और बाकी जो पुलिस के कर्मचारी हैं, मिला के मिलकर से 1200 के करीब होने चाहिए और 1500 के करीब बच्चे हैं, शहरवासी हैं। तो 2500 से 3000 के बीच में मैं समझता हूँ कि लोग आज इस राष्ट्रीय एकता की जो रन फॉर यूनिटी है वो भाग ले रहे हैं। सबसे पहला एम तो राष्ट्रीय एकता ही है, जैसा कि इसका नाम है रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए। सबसे पहले हमारे स्तर पे एकता, फिर राज्य स्तर पे एकता, राष्ट्रीय स्तर पे एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ सद्भाव सौहार्द बढ़े, सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ हर चीज़ सेलिब्रेट करें, इसके लिए ही राष्ट्रीय एकता को एज ए पर्व हम मना रहे हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, YES TV। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए YES TV।